So, Sanya, tell me something about yourself. So, as you said, my name is Sanya and I'm from Hisar, Haryana, and I've done my bachelor's BSc from Hisar itself. Then I did my post graduation MSc mathematics from Hyderabad University. And yeah, that's, and like I apart from my studies that I like writing diary so that I can like see where I'm going, what are my strengths and what are my weaknesses, so accordingly I can improve. So, what your parents do? My father is a dentist. Okay. We have our own private clinic here in Hisar, and my mother is housewife. I have a younger sibling also. तो आपने नीट क्रैक किया मेडिकल फील्ड में जाने के लिए? नहीं सर, एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा, हु इज योर रोल मॉडल? रोल मॉडल सर माय फादर ओनली. ओके, व्हाई एक्चुअली आई सर? वांट टू बिकम लाइक हिम. ही इज एक्चुअली रियली गिविंग पर्सनैलिटी. मतलब जो उनका प्रोफेशन है उसमें भी ही इज ऑलवेज लाइक डूइंग बेस्ट फॉर हिज पेशेंट्स एंड एवरीवन. और वो मुझे हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा लोगों के लिए काम करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. ओके, सो दैट्स आई नाइस. वॉन्ट टू फॉलो दैट पाथ. ओके, कैन यू टेल मी लाइक व्हाट इज द मंथली टर्नओवर ऑफ योर फादर बिजनेस? नो सर, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली. ओके ओके. अच्छा, डू यू इंटरेक्ट मतलब विद योर फादर अबाउट द क्लिनिक और अदर थिंग्स? सॉरी सर, So, do you have any interaction with your father regarding their clinic business? You discuss that नो thing? एक्चुअली नहीं. पापा जो अपना प्रोफेशन है ना, वो मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव अपने तक ही रखते हैं. ही इज लाइक कि आई दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू हैंडल, सो यू जस्ट एंजॉय द पर्क्स इन योर लाइफ. नाइस. 2019 सो इन विच ईयर यू कंप्लीटेड योर एमएससी? सर, 2019. ओके. 19 हाँ, देन आफ्टर दैट? सर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप टीचिंग, एंड देन आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर गेट. आई क्लियर्ड गेट बट नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं, एंड देन कोविड हैपेंड एंड थोड़ी सी मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माई करियर टू ओके. बैंकिंग. सो आपको नहीं लगता है काफी बड़ा चेंज हो जाएगा? लाइक गेट प्रोफाइल इज टोटली डिफरेंट एंड नाउ यू आर कमिंग टू बैंकिंग. सर एक्चुअली मुझे उस प्रोफाइल में भी सिर्फ इसीलिए ही जाना था सो दैट आई कैन सर्व फॉर पीपल. टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लाइक यू मतलब आप देते हो अपनी तरफ से नॉलेज, देते हो, यू टीच पीपल. एंड बैंकिंग इज ऑल्सो समवेयर सेम, यू डू इट फॉर द कस्टमर्स, बेनिफिट ऑफ द कस्टमर्स. सो बींग अ गर्ल, मतलब माई फादर सेड इफ यू डू गो इन टीचिंग, यू डू PhD, इट विल गॉन लाइक इट विल टेक लॉन्ग टाइम. सो इसलिए मतलब पर्पस यहाँ भी फुलफिल हो ही रहा है एनीवेज, सो दैट्स व्हाई. ओके. सो आप बता सकते हैं मैथमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा है? यस सर. सर रियल एनालिसिस, एलजेब्रा एंड लीनियर एलजेब्रा. एलजेब्रा वाज माय फेवरेट पार्ट. उसमें हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, मतलब एक सेट को लेके हम उसे डिफरेंट ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, और फिर हम उनके बारे उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, रिंग्स कहते हैं. ओके, सो फिर उनकी तो प्रॉपर्टीज लाइक इट्स हाँ, टोटली एब्स्ट्रैक्ट. यस. सो डू यू थिंक दिस स्टडी विल वर्क इन बैंकिंग एज वेल? सर एक्चुअली नॉट द स्टडी बट इट हैज गिवन मी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, इट हैज गिवन मी लीडरशिप स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो. सो आई थिंक दैट थिंग आई कैन यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ बैंकिंग. ओके, फाइन. सो यू नो अबाउट बैंकिंग? नॉट मच ओके, बट क्या आई एम पढ़ा है लर्निंग. आपने अभी तक? क्या पढ़ा है अभी तक सर? आई हैव लर्न्ड दैट कि
बेसिकली तो दो तरह के बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट हैज़ द मोर देन 50% शेयर ऑफ द बैंक, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिसमें प्राइवेट एंटिटीज ओन करती हैं मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम शेयर ऑफ द बैंक. आपने डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में सुना है? सर अच्छा, पेमेंट बैंक। हाँ, पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, लाइक बस सुना है, आई डोंट नो इन डिटेल. ओके फाइन। अच्छा, आपको पता है लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक पीयू? सर मोस्टली पब्लिक डीलिंग होती है, एंड मतलब कस्टमर्स जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं, या अगर उनको अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या मतलब दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. आपका बैंक कौन से अकाउंट में है? सर SBI. सॉरी, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? SBI में। ओके, या सो अच्छा, डू नो आपका कौन सा अकाउंट है वहां पे? सेविंग्स अकाउंट. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है आपको SBI? पता नहीं सर. पता नहीं। अच्छा, आपका प्रायोरिटी बैंक कौन सा है? सर कैनरा बैंक. वाई सो? सर एक्चुअली वैसे तो कैनरा हो या PNB हो, इट्स ऑल द सेम, बट क्योंकि प्रेफरेंस एक मांगी गई थी तो कुछ ना कुछ तो हमें भरना ही था. बट मोस्टली यही देखा जाता है कि जिस बैंक की ज़्यादा ब्रांचेज हो, मतलब जो इजीली मतलब इधर उधर हो, हर प्लेस में हो, एग्जिस्ट करता हो, तो आप उसको प्रेफर करते हो सो दैट यू कैन इजी PNB इज ट्रांसफर ऑल्सो नियर ऑल ओवर योर. इंडिया, आई गेस। हाँ यस सर, सेकेंड प्रेफरेंस PNB थी, फर्स्ट आई फील्ड कैनरा. ओके, सो केनरा बैंक का वेबसाइट आपने देखा है? नहीं सर. अच्छा, इसके करंट सीईओ कौन है, कुछ पता है आपको केनरा बैंक का? ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे 4 डे वर्क कल्चर आपका चल रहा है, आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं सर. ठीक है। करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते यस हैं, सर पढ़ती. यस सर, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर कोई और मीडियम से? वेबसाइट सर, अफेयर्स क्लाउड बेसिकली. ओके, ठीक है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में कौन सी न्यूज़ काफी ज्यादा हाईलाइटेड हुई है, आप बता पाएंगे? सर गौतम अडानी जी के बारे में काफी चल रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, बट आई थिंक नाउ ही इज बिलो 20. एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूएस का, जिसने उनके ऊपर एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था जिसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम यस हुआ था, सर, आपको पता है उस यस सर. ऑर्गेनाइजेशन का नाम? सर हेनिनबर्ग जी ऐसा कुछ हाँ, इज नेम. फाइन। अच्छा, क्या है ये पूरा इशू, आपने इशू को एनालाइज किया? सर उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी कि जो उन्होंने अपने एक्चुअल में पेपर्स में जो शो कर रखा था दैट ही ओन्स दिस मच, वो एक्चुअल में उतना नहीं है. एंड मतलब उन्होंने बेसिकली जो हेनिनबर्ग हैं, उन्होंने पहले भी और लोगों पे ऐसी रिपोर्ट्स बनाई हैं जो कि, और उनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा वैलिड होती हैं. सो उन्होंने सिमिलर रिपोर्ट एक इनके बारे में भी बनाई, गौतम अडानी जी के बारे में. सो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है इसका? सर ये जो गौतम अडानी जी हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं SBI का और LIC का, तो अगर ये डाउन जाएंगे तो हमारे बैंक्स भी मतलब डाउन जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर इकोनॉमी पे भी अफेक्ट पड़ेगा. अच्छा, इसके अलावा कोई और न्यूज़? अभी तो सर यही रिकॉल कर पा रही हूँ. आपने बजट पढ़ा क्या, नहीं सर, अभी अभी रीड नहीं किया. इकोनॉमिक सर्वे? अच्छा, ओके, नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है। ओके, सो आप हिसार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो क्या खास चीज़ है हिसार के अंदर? सर हिसार में एशिया की काफ़ी बड़ी ऑटो मार्केट है, और मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ की वजह से हिसार.
और हिसार में मोस्टली टूरिस्ट भी बहुत विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ आसपास धाम भी बहुत हैं, लाइक अग्रोहा है, काजला धाम है, तो रिलीजियस प्लेस भी है ये। और इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, HAU है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी हिसार बहुत। ओके फाइन. अच्छा, जैसे हरियाणा से आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर जो कि इंडिया के लिए खेलते हैं. हाँ, तो आपका व्यू पॉइंट क्या है, स्पोर्ट्स का क्या रोल है टुवर्ड द नेशन, टुवर्ड यूथ? आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? सर, स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के लिए, क्योंकि मतलब इससे कंट्री की जो पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखती है स्पोर्ट्स के वे में। और आजकल मतलब हरियाणा में ऐसा है कि पहले गर्ल्स को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था स्पोर्ट्स में, बट अब मतलब गर्ल्स को भी इक्वली मौका मिलता है और वो भी इक्वली अपना नाम रोशन कर पा रही हैं पूरे मतलब वर्ल्ड में इंडिया के वजह से। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मतलब एक काफी अच्छी चीज है। और इसके अलावा, अच्छा, आपको क्यों लगता है कि जैसे इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है फिर भी हम लोगों के ओलंपिक्स के अंदर काफी कम मेडल रहते हैं, क्या चैलेंजेस हैं? सर, आई थिंक लैक ऑफ मतलब प्रॉपर जो एकेडमीज हैं जो होनी चाहिए मतलब यूथ को ट्रेन करने के लिए, और एक थोड़ा सा मोटिवेशन की भी कमी है। लाइक हमारे इंडिया में बेसिकली लोग हमेशा एजुकेशन के पीछे ही रहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ इतना नहीं जाता। हर इंडियन फैमिली की ये बेसिक थिंकिंग होती है कि हमारा बच्चा पढ़े तो वो एजुकेशन फील्ड में ही जाए, कॉरपोरेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। अगर कोई स्पोर्ट्स की तरफ जाना भी चाहता है तो उसको उतना मोटिवेट और उतना वो नहीं किया जाता, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को थोड़े से स्टेप्स लेने चाहिए, थोड़ी और अकेडमीज बनानी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, जो एटलीस्ट जो अच्छे जो एथलीट्स हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सके, वो और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकें खुद को। अच्छा, आपको कुछ पता है कि लाइक हरियाणा स्टेट के द्वारा ऐसे क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टुवर्ड दी स्पोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई? ओके नहीं सर, ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है सानिया, सो विल पॉज.